उद्धव ठाकरे के साले श्रीधर पाठनकर के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। इस पूरे मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि श्रीधर पाठनकर हमारे परिवार के सदस्य हैं। ईडी की यह कार्रवाई राजनीतिक दबाव और बदले की भावना से की गई है। सफाई देने का मौका दिए बिना सनसनी फैलाने के लिए की गई है। केंद्रीय जांच एजेंसियों के माध्यम से हम आपको डरा सकते हैं, झुका सकते हैं, यह संदेश दिया जा रहा है। ऐसा सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं हो रहा है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ भी ऐसा ही किया जा रहा है। यह तानाशाही प्रवृत्ति को दर्शाता है। बाकी राज्यों में ईडी ने लगता है अपने कार्यालय बंद कर दिए हैं। बस गैर बीजेपी राज्यों में ही इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं। सबसे बड़ा घोटाला गुजरात का बैंक घोटाला है। क्या कार्रवाई हुई? मैंने खुद ईडी अधिकारियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार और वसूली के सबूत सहित पीएम को पत्र लिखा। क्या कार्रवाई हुई? कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, बीसीएन न्यूज नागपुर। 2004 जिस वक्त पीएमएलए कायदा निर्माण नहीं हुआ था, उससे पहले के भी प्रकरण निकालकर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये जो सब हो रहा है केंद्रीय जांच एजेंसी के माध्यम से, ये ठीक नहीं है। इस प्रकार के एजेंसी का दुरुपयोग करना राष्ट्र के हित में नहीं है। ये जो एक नई फाइल बन रही है तानाशाही की, देश के इतिहास में और आने वाली पीढ़िया आपको सवाल और जवाब करो, तो कायदाच तसा बनवलेला आहे। ईडीचे पुरावे किंवा केंद्रीय तपास यंत्रणांचे पुरावे काय आहेत हे आपण पाहिलं असेल। आतापर्यंत फक्त 3000 लोकांपैकी फक्त 20 लोकांनाच न्यायालय शिक्षा ठोठावू शकलं, बाकी सगळ्या केसेस असं अधांतरी लटकल्या। राजकीय सुडाच्या कारवाया या अशाच असतात। पुरावे खोटे उभे केले जातात, आरोपपत्र खोटी तयार केली जातात, खोटे साक्षीदार धमक्या देऊन निर्माण केले जातात, खोटे आकडे लोकांसमोर आणले जातात आणि एक भ्रम निर्माण केला जातो। श्रीधर पाठणकर हे आमच्या परिवारातले आहेत आणि ज्या कारवाईविषयी आपण बोलताय, ती कारवाई फक्त राजकीय दबाव, सुडबुद्धि आणि कोणतीही बाजू मांडण्याची संधी न देता सनसनाटी निर्माण करण्यासाठी, आणि आम्ही तुम्हाला झुकवू शकतो, नमवू शकतो केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून, हे राजकीय विरोधकांना दाखवण्यासाठी अशा प्रकारच्या कारवाया फक्त महाराष्ट्रातच नाहीत तर जेथे जेथे भारतीय जनता पक्षाची सत्ता नाही अशा प्रत्येक राज्यामध्ये अशा प्रकारच्या कारवायांना ऊत आलेलं आहे। पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांचा भाचा म्हणजे जे खासदार आहेत अभिषेक बॅनर्जी, काल त्यांनाही दिल्लीत बोलवून 8 तास चौकशी केली, त्यांच्या पत्नीला सुद्धा अशा प्रकारची नोटीस आली आहे। निवडणूक हरलो आपण एखाद्या राज्यात, म्हणून ज्यांनी पराभव केला आपली सत्ता गमावण्यासाठी, आपली सत्ता खेचून घेण्यासाठी, त्यांच्यावर केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून अशा प्रकारे दबाव आणणं ही राक्षसी हुकुमशाहीची नांदी आहे। आपण जर पाहिलं असेल संसदेमध्ये कालच जी माहिती आली ईडीच्या कारवायांसंदर्भात, सर्वाधिक कारवाया या जेथे भाजपचं शासन नाही त्या राज्यात झालेलं आहे। UPA 11 वर्षाच्या काळामध्ये फार तर 22 किंवा 23 कारवाया झाल्यात, आणि हे मोदींचं शासन आल्यापासून साधारण 2500 आसपास या कारवाया ईडीनं केल्यात। त्यातल्या अनेक कारवाया या चुकीच्या पद्धतीनं झाल्या तर नंतर न्यायालयामध्ये स्पष्ट झालेलं आहे।
पण न्याय व्यवस्था, प्रशासकीय व्यवस्था, केंद्रीय तपास यंत्रणा ह्या हुकुमशाही प्रवृत्तीच्या गुलामासारख्या वागत असल्याचं आता स्पष्ट दिसतं. ये तानाशाही की खतरनाक शुरुआत है. चार राज्यों में अगर आप जीत गए हैं उसका मतलब ये नहीं कि आप सब लोग देश के मालिक बन गए. अगर आपको हमें जेल में डालना है तो आप तैयारी कर लीजिए, हम सभी लोग जेल में जाने के लिए भी तैयार हैं. लेकिन इस देश की स्वतंत्रता, इस देश का लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, आज़ादी सबके लिए हम फिर एक बार आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं.